आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना से हाहाकार मचा गए, वहीं दूसरी ओर बाढ़ ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के कई पंचायतों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। लोग दरभंगा मुजफ्फरपुर NH57 स्थित गायघाट प्रखंड के रमौली चौक से लेकर ठेकापाखी चौक तक ऊंचे स्थानों पर अपना डेरा डालकर जीवन बचा रही है। बाढ़ का पानी कई घरों में घुस चुका है और लोग NH57 पर अपना आशियाना बनाने को मजबूर हैं। लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन लोगों की कोई सुध नहीं ली गई है। आपको बता दें कि DM के आदेशों के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवारों को कर रहे हैं अनदेखा। या यूं कहें कि बाढ़ पीड़ित परिवार भगवान के भरोसे हैं। मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। लोग अपना घर छोड़ के हाईवे पे आने को मजबूर हैं। कल सुबह से ऐसे में पूरा रोड डूब गया, पूरा पानी एकदम पूरा घर तक ले भर भर हो गया। घर में ही पानी घुस गया, पूरा भर डार घर में पानी है। तो अभी तक किसी तरह की कोई सहायता मुहैया कराई गई? सहायता नहीं, आज तक ले मुखिया जी एकदम अभी तक ले उलट के भी नहीं आया है देखने के लिए से क्या डूबा की कहा हुआ सरकार का क्या हुआ। कोई नहीं कुछ कुछ भी राहत, कुछ राहत पोलोथीन फूड पैकेट पन्नी एक तो मिला है, बस पन्नी डाला हुआ, धीरे धीरे सामान निकाल रहा है। किस पंचायत में? गोवारी पंचायत में। नाम? नाम विकास राउत। लोग अपना घर छोड़ के हाईवे पे आए हैं कब? कल तो आए हैं। घर पूरा पानी में डूब चुका है, कुछ नहीं मिला है, वो पन्नी मिला है। मतलब सिर्फ पन्नी ही या खाने पीने का कोई? कुछ नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं, खाली पन्नी मिला है। किस पंचायत में? गोवारी पंचायत में। कब से यहाँ अम्मा है रोड पर घर बनाए हुए? 6 दिन से रोड, मतलब घर में पूरा पानी। अच्छा, पूरा पानी पूरे घर में घुसा हुआ। किसी तरह की कोई सहायता दी गई है जनप्रतिनिधि के द्वारा या पर? अभी तक कुछ नहीं। पोलोथीन या कुछ भी? तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात किए हैं? नहीं, वो कहीं पे नहीं आ सके। कौन सा गांव है? बड़वारी है। 4 प्रखंडों में थोड़ा गंभीर है, जैसे औराई, कटरा, गायघाट, इन प्रखंडों में, और इधर साहेबगंज, पारू, इनमें भी है। कुछ कुछ एक दो पंचायत मुसहरी अंचल के और बोचहा के और कुड़नी के भी हैं, और कांटी का भी है हमारा एक पंचायत। तो हम लोग नजर उस पर रखे हुए हैं। नाव जो है हम लोग पर्याप्त उपलब्ध कराए हैं, उसके साथ पॉलीथीन सीट का वितरण चल रहा था। अभी हम लोग फूड पैकेट का भी वितरण शुरू किए हैं, जिसमें कि हम लोग चूड़ा, गुड़ और चना, चीनी और आपका ये दिया सलाई और आपका ये मोमबत्ती, ये सब का पैकेट हम लोग आज से बनवाना शुरू कर दिए हैं और वो भी वितरण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी किचन, जहां कि आकर के लोग खाना खा सकते हैं या खाना वहां से ले जा सकते हैं, अपने घर खाएंगे, तो कम्युनिटी किचन भी कुल 15 जगहों पर अभी हम लोगों ने शुरू कराया है और कल से संख्या और बढ़ेगी। हम लोगों ने चिन्हित किया है सबके साथ विमर्श करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने देंगे हम लोग। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जानी है वो सबको पहुंचे, सबको मिले, इस तरह का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी हमारी नदियां तीनों जो है खतरे के निशान से ऊपर हैं, हमारी गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी, और जो लखनदेई है हमारी एक सीजनल रिवर है, उसमें पानी बहुत ज्यादा है, और जो हमारी पारू में, साहेबगंज में बाया रिवर है, उसमें पानी बहुत ज्यादा है, तो खतरे के निशान से ऊपर है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह हम लोगों ने दिया है और हम लोग स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और लोगों के साथ हैं, जो भी सुविधा होगी हम लोग उपलब्ध कराएंगे।